नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गोरखपुर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। डीडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि SSP के निर्देशन में गोरखपुर पुलिस इस समय बड़े खुलासे कर चुकी है। इसके तहत बहुत से बड़े बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें कई धाराओं में जेल भेजा जा चुका है। पिछले कई महीनों से वांछित कुख्यात गैंगस्टर और 15,000 का इनामी हिमांशु साहनी को आज सुबह गीडा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई के क्रम में थाना गीडा की टीम ने आज एक कुख्यात गैंगस्टर का अपराधी हिमांशु साहनी को गिरफ्तार किया गया है। ये मुकदमा अपराध संख्या 264/21 धारा 3UP गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित था और इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम था। इसको आज प्रातः 11:40 पर गिरफ्तार किया गया है और इसको विधिवत कार्रवाई के उपरांत जेल भेजा जाएगा। यूपी के फतेहपुर में बेमौसम हुई बारिश से किसानों के खेत में लगी धान की फसल पानी के कारण बर्बाद हो गई है, जिसका जिला प्रशासन ने राजस्व टीम के द्वारा नुकसान का सर्वे नहीं कराए जाने से नाराज किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के महासचिव के नेतृत्व में सदर तहसील का घेराव करते हुए धरना दिया। वहीं किसानों ने कहा कि अगर फसल के नुकसान का सर्वे करा करके मुआवजा नहीं मिला तो तहसील गेट पर ताला लगा दिया जाएगा। अब हम यही मांग करेंगे कि अपने कर्मचारियों से कहें कि क्षेत्र में जाकर सर्वे करें, जांच करें और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए। बैंकों में हमारा क्रेडिट कार्ड के साथ बीमा भी होता है, कभी कुछ नहीं मिलता, हम लोग चिल्लाते रहते हैं। लेकिन इस बार हम निवेदन के साथ साथ एक बात और बताना चाहते हैं कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो हम इस तहसील में डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे और ताला डालेंगे। हरदोई जिले के सवायजपुर क्षेत्र में रामगंगा नदी के कटान से 9 परिवार प्रभावित हुए हैं। मामले की सूचना पर DMSP अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने 9 परिवारों को गांव के बाहर स्कूल में स्थापित करवाया। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए कि इन परिवारों की हर संभव मदद की जाए। परहुली में आए हुए हैं और यहाँ रामगंगा नदी के कारण कुछ परिवार प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि रामगंगा नदी में पानी जलस्तर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से जो रामगंगा नदी के किनारे के घर हैं वो कटान से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अभी कटान ऐसी हुई नहीं है, पर चूंकि रामगंगा नदी के किनारे हैं वो सब मकान, करीब 9 परिवार हैं उनके जिनके मकान बने हुए हैं, तो उन्हें कोई खतरा ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ प्राथमिक विद्यालय बरहुली में एक केंद्र बनाया गया है जहाँ इनको सबको शिफ्ट कर दिया गया है। बलरामपुर में बाढ़ से हालात अभी भी बेकाबू हैं। बाढ़ पीड़ितों को जिला प्रशासन तेजी से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जिले के तकरीबन 200 गांव ऐसे हैं जो अभी भी बुरी तरह पानी में घिरे हुए हैं। बाढ़ के कारण कई लोगों के मकान, दुकान और गृहस्थी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन द्वारा इन सबको तेजी से मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने मंडी समिति स्थल पर राहत किट के वितरण के लिए पैकेजिंग की व्यवस्था की। साथ ही जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा है कि वो प्रतिदिन 7,000 से 8,000 राहत किटों का निर्माण करवाकर लेखपालों और ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्रामीणों में वितरित करेगा। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों को तेजी से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो राशन किट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है, तो इसमें हम पर डे करीबन 8-9 हज़ार राशन किट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की हमने योजना बनाई है। अभी तक हम करीबन 12,000 राशन किट्स जो हैं फील्ड में भिजवा चुके हैं और वो वितरण कर हो रहा है उनका। इसके अलावा जो हमारे राशन किट्स पहले बाहर से आ रहे थे, अब हमने यहीं पे सप्लायर को बुला करके यहीं उनको राशन किट को बनवाना भी शुरू कर दिया है, सो दैट कि जो हमारा डिलीवरी है राशन किट्स का वो
तीव्र गति से हो और लोगों को जो आपदा से प्रभावित हैं उन सबको तुरंत लाभ पहुंचे। क्या क्या किट में? किट में टोटल 17 तरह के आइटम्स हैं और इसके अलावा उनको जिसमें कि आपका लइया है, चना है, आलू है, मसालेज भी उसके अंदर हैं और इसके अलावा उसमें चावल, आटे के अलग अलग पैकेट्स हैं। तो इस तरह के कुल 17 तरह के आइटम हैं जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार उनको दिया जाता है और ये सभी आइटम्स हम लेखपाल प्रधानों के माध्यम से उनको हम पहुंचवा रहे हैं जो भी आपदा अफेक्टेड गांव है। खबर बलरामपुर से है जहां जिले के मेमोरियल चिकित्सालय में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां चिकित्सकों की लापरवाही के कारण इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। परिजन मृतक की पत्नी दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले हम जिला मेमोरियल चिकित्सालय में अपने पति को इमरजेंसी वार्ड में लाए थे। पानी में भीग जाने के कारण इनको तेज बुखार हो गया था। यहाँ पर मेरे पति रुद्र मिश्रा को डॉक्टर रमेश पांडे ने अपने अंदर में इलाज करने के लिए वार्ड में भर्ती करा लिया, जिसको लेकर के ग्लूकोज और थोड़ा बहुत इंजेक्शन देते रहे और प्राइवेट पैथोलॉजी के लिए कुछ जाँचें भी लिखी। बाहर से दवा खरीदने और जांच करवाने के बाद भी मेरे पति को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। जब बीती रात मेरे पति की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई तब भी हमने डॉक्टर को सूचना दी, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। सुबह 8 बजे उनकी मौत हो गई। हमने इस चिकित्सा लापरवाही की शिकायत नगर कोतवाली में की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नम्रिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र अभी नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हमने डॉक्टर की रिपोर्ट पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आगरा के यूथ हॉस्टल संजय प्लेस में 4 युवती ने प्रेस वार्ता की। युवती आगरा और दिल्ली की रहने वाली हैं। ये चारों मैसेंजर से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बात शुरू हुई तो एक युवक का फेसबुक से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट और उसके बाद ब्लैकमेल करने की बात चारों ने कही है। इन चारों युवतियों ने युवक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवतियों का कहना है कि युवक आगरा का रहने वाला है और इसी तरह से हाई प्रोफाइल महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर ठगी कर रहा है। इन चार युवतियों से 1 करोड़ रुपये वसूल चुका है। खबर आगरा से है जहां पैसे की खनक के आगे पर्यटक पुलिस बेबस नजर आ रही है। जहां पुलिस के संरक्षण में टिकट ब्लैक का धंधा फल फूल रहा है, साथ ही पुलिस की मौजूदगी में पर्यटकों को गुमराह किया जा रहा है। पर्यटकों को गुमराह कर ठगी करने वाले गैंग का पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया है। आगरा कलेक्ट्रेट के दबंग वकील का चेहरा सामने आया है। जहां अस्पताल में थाने से आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने आए अधिवक्ता ने ऑटो चालक के साथ जमकर मारपीट की है, जिससे ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अगली खबर मैनपुरी से है जहां जिला अधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में जारी की गई आरसी की वसूली नहीं करने पर अध्यक्ष सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके बाद अधिवक्ता आयुक्त को नामित भी कर दिया गया है। अगली सुनवाई 11 मई को होगी। इसका मामला ये था कि थाना ओछा क्षेत्र का एक गांव पड़ता है सहजादपुर उसनीता, उसमें एक महिला रहती है डिंपल देवी। उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी बुलंदशहर जनपद में वर्ष 1915 में। तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसको मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति मिली। चूंकि उसके पति प्रदीप कुमार कृषक थे तो कृषक बीमा आयुक्त उसने जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन किया। जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करने के उपरांत उन्होंने लेखपाल, चूंकि जो प्रेमपाल था वहां का, उसने फौती दर्ज नहीं की थी तो प्रदीप के नाम वो कृषि भूमि अंकित नहीं हो पाई। इस बात पर जिलाधिकारी द्वारा उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। आवेदन निरस्त होने के बाद माननीय जिला आयोग में उसने अपना मुकदमा डाला। मुकदमा 17 फरवरी 2018 को निर्णीत हुआ और निर्णय में यह कहा गया कि 5 लाख रुपए और 7% ब्याज इसको डिंपल देवी को जिलाधिकारी मैनपुरी उत्तर प्रदेश शासन से अदा कराएंगे। खबर गाजीपुर से है जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने आया है। बता दें कि AIMIM प्रदेश अध्यक्ष के 3 दिवसीय
तीन शादियों के बयान पर अनिल राजभर ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये कुत्सित मानसिकता के लोग हैं और ये लोग माँ बहनों को जानवर समझते हैं। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इनकी पागल मानसिकता को ठीक करने के लिए ट्रिपल तलाक कानून बनाया गया है। सुभाषपा की सावधान यात्रा के सवाल पर अनिल राजभर ने कहा कि ओपी राजभर का नाम हमने असलम राजभर कर दिया है और ओपी राजभर मीडिया के मनोरंजन के साधन भर है। दरअसल मंत्री अनिल राजभर अगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की बैठक में शामिल होने गाजीपुर पहुंचे थे। आज गाजीपुर आगमन हुआ। यहाँ नगर पालिका गाजीपुर के हमारे जो सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभासद हैं, हमारी चेयरमैन साहब हैं और तमाम वर्कर उनके साथ अभी एक मैंने परिचय के लिए एक बैठक की है। आगे बैठकों का दौर चलता रहेगा, हम लोगों के आने जाने का भी दौर चलता रहेगा। वैसे पूरे गाजीपुर के सभी जो हमारी नगर पालिका नगर पंचायतें हैं वहाँ कमल निशान का परचम किस तरह से लहराए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार हैं किस तरह से वो विजयी हों, जो एक स्वाभाविक आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ पार्टी के अलावा भी जो आम जनता का बना हुआ है, हम उसको कैसे वोट में परिवर्तित करके और पार्टी के विजय को कैसे सुनिश्चित करें, आज इन्हीं तमाम बातों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। जिले में लगातार बांधों के कटने का सिलसिला जारी है जिसके कारण जिले के लगभग 350 गांव बाढ़ की भयंकर चपेट में आ गए हैं। वहीं लगभग 100 से अधिक गांव मैरून हो चुके हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं इस बाढ़ में फंसे हुए लोगों तक शासन प्रशासन समाजसेवी सभी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन सभी इंसानों तक तो पहुँच जा रहे हैं लेकिन बेजुबान जानवरों तक चारा लेकर के न तो प्रशासन पहुँच रहा है और न ही कोई नेता और समाजसेवी। मौजूदा हालात में बाढ़ ने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। जिले के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग मकान के छतों और बंधों पर अपने सामान जानवरों को लेकर के निवास कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में पहली बार शायद पिछले 50-60 वर्षों में कभी बाढ़ नहीं आई थी। जिस तरह से अतिवृष्टि और अप्रत्याशित बाढ़ के कारण और बूढ़ी राप्ती सभी खतरे के निशान से ऊपर है और रिकॉर्ड ऊपर है, 86.1 सेंटीमीटर के ऊपर बह रही है। आज आप देख रहे हैं कि सिद्धार्थनगर के कई बंद कट गए और जिस तरीके से करीब 300 गांव से ऊपर मैरून हैं, तो लगातार आज आपने स्वयं देखा कि गांव किस तरीके से लोग अपने घरों में छतों पे मौजूद हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी परसों आए थे, उन्होंने कहा एक एक गाँव में लोगों को राशन किट पहुंचाया जाएगा। जब तक खाना नहीं बना सकते उनको पूरे प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से हम लोग हर तहसील के गांव में पूड़ी, सब्जी, लाई, चना, साड़ी, बिस्कुट और पानी सब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब जैसे थोड़ा पानी कम होगा सभी गांव में हम ड्राई राशन का किट देंगे। अगर जो सारे खेत का नुकसान हुआ है उसका खेत वाइज सर्वे होकर के हम फसल का मुआवजा देंगे। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव हस्तपुर स्थित एक मंदिर में मुस्लिमों से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा के द्वारा मुस्लिमों को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। करीब आधा दर्जन लोग और कुछ बच्चे वीडियो में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूपी सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे कराया गया है। सर्वे रिपोर्ट में बस्ती जिले में कुल 530 मदरसे संचालित हो रहे हैं जिसमें 386 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में 25,000 छात्रों को शिक्षा दिया जा रहा है। जिले के 14 मदरसों को सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। वहीं 130 पंजीकृत मदरसे संचालित हो रहे हैं, 386 बिना मान्यता के संचालित हैं जिसमें 23 मदरसे सरकारी भूमि पर संचालित हो रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सुविधाओं के नाम जीरो के बराबर है। कई दीवारों पर केवल ब्लैक बोर्ड के सहारे
शिक्षित किया जा रहा है, कुछ मदरसे केवल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। बस्ती जनपद में जो अभी हाल ही में प्राप्त सर्वे के अनुसार 386 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ है। हमारे 144 हमारे जनपद में मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 14 ऐसे हैं जो एडिड हैं। तो अभी सर्वे के आधार पर ये जानकारी हमारे पास में आई है। मैम, उस रिपोर्ट में क्या कुछ शासन को भेजा गया है और क्या कुछ निर्देश उधर से मिले? शासन की ओर से इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने के निर्देश हुए थे। इनका निर्देश कराया वो सर्वे कराया गया है और प्राप्त निर्देशों के अनुसार जो विवरण है वो शासन को प्रेषित किया गया है। अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम, कुछ मदरसे जो गैर पंजीकृत हैं उनमें सारी सुविधाएं नहीं, उसको लेकर के क्या कुछ शासन से निर्देश प्राप्त है कि नहीं? अभी सर्वे के दौरान बहुत से ऐसे मदरसों का भी जानकारी मिली है जो या तो किसी उनकी खुद की जमीन पर नहीं बने हैं या फिर वहाँ पर आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। तो ऐसे मदरसों का हमने सूची प्राप्त कर ली है और उसमें जैसे आगे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे करवाएंगे। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गाय के गोबर से बने दीपों से सैनिकों के बॉर्डर और कई राज्यों को सजाकर दीपावली राष्ट्रीय कामधेनु के नाम मनाई जाएगी। अंकित शुक्ला का सपना है कि दिवाली पर दीपों का अभियान चला करके निशुल्क बांटे जाए दीपक। अंकित शुक्ला ने बताया कि दिवाली पर दीपों पर अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि गायों से जुड़े उत्पादों को सर्वाधिक कर उन्हें उत्तर प्रदेश की सभी जनपदों में निःशुल्क दीपों को बांटने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। जनपदों में जाकर के गाय के गोबर से निर्मित दीपों की जानकारी देंगे और लोगों से अपील करेंगे कि हर घर गोबर से निर्मित दीप जलाए जाए। इससे देश के गौपालकों के जीवन में भारी परिवर्तन लाया जा सकता है। अंकित शुक्ला ने कहा है कि गाय हमारे किसान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। बदले समय में बैलों की उपयोगिता कम हो जाने के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर गौ उत्पादों को संवर्धित कर उन्हें उपयोग में लाया जाए तो इससे न सिर्फ वातावरण शुद्ध होगा बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी। फतेहपुर में मछली से भरे कंटेनर ले जा रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। घटना में फतेहपुर ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। कंटेनर पलटने से सभी मछलियां सड़क पर बिखर गईं। यूपी के पीलीभीत में जहां शासन के निर्देश पर जिले में बिना मान्यता के संचालित मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, 10 अक्टूबर तक सर्वे पूरा हो गया। जिले में 25 मदरसे ऐसे मिले जिनके पास मान्यता नहीं थी, जिसमें पीलीभीत सदर, पूरनपुर, अमरिया, कलीन नगर, न्यूरिया में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। बता दें कि जिले में कुल 245 मदरसे हैं, जिसमें 220 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इसमें 79 मदरसे आधुनिकीकरण योजना के हैं, जिनके वेतन का कुछ हिस्सा सरकार की तरफ से भी दिया जाता है। हाँ, शासन की मंशानुसार जो हमारा सर्वे होना था, समस्त तहसीलों का एक जिलाधिकारी द्वारा कमेटी बनाई गई थी, जिसमें उप जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और मेरे द्वारा। इसमें अभी तक जो सर्वे किया गया है, इसमें कुल 25 मदरसे बिना मान्यता के संचालित जनपद में पाए गए हैं। इसका सर्वे रिपोर्ट शासन को, जो भी उनका फॉर्मेट था कि वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हैं, कितने बच्चे अध्ययनरत हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कराई जा रही है, आय का स्रोत क्या है, उसके क्रम में कराते हुए शासन को भेजी जा रही है। खबर सरावास्ती से है, जहां तहसील भिनगा के ग्राम पंचायत ककरदरी में लगभग 15 दिनों से राप्ती नदी कटान करती जा रही है। राप्ती नदी की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि लोगों की परेशानी और बढ़ गई है, जिससे ग्रामीण बहुत परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेता हो चाहे कोई अधिकारी, सब केवल अपने मतलब के लिए यहाँ आते हैं। गाँव वालों का कहना है कि राप्ती नदी में अभी तक लगभग 1000 बीघा किसानों की जमीन समाहित हो गई है और जो बची है दिनों दिन समाहित होती जा रही है। वहीं बगल में भारत नेपाल सीमा का पिलर 641 भी है, जो राप्ती नदी से केवल 10 मीटर की दूरी पर है, जबकि पिलर संख्या 642 पहले ही राप्ती नदी में समाहित हो गया है। अगर इसी तरह राप्ती नदी किसानों की जमीन और सीमा स्तंभ को अपनी आगोश में लेता रहा तो भारत नेपाल सीमा की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा।
लंबी समस्या है गंगा जी, सब काट कूट के फिट कर दिन, जितना सिवान है सब काट कूट के, अपना कहीं हो अपने पेट में किहन है, फसल पात सब लगी, घर का हंडी पतेली सब बूढ़ बहेगा और 15 दिन होएगा कोई सुनवाई नहीं होगी। आज 15 दिन से कटान चालू है, बहुत तेजी से कटान चल रहा है, हजारों बीघा जमीन कट गई, फसल सहित पूरा चला गया, गांव के किनारे नदी आ गई है। आज तक अभी शासन प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे कटान चालू रहेगा तो हमारा गांव भी चला जाएगा, हमारा आदमी भी चले जाएंगे उसी में, क्योंकि कटान बहुत तेज से चल रही है। खबर फरुखाबाद से है, जहां एक युवक के खुलेआम गुंडई का मामला सामने आया है। बता दें कि इस युवक ने महाकाल मंदिर के प्रांगण और मोहल्ले के लोगों के द्वारा बनवाए गए धर्मशाला पर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं अगर मोहल्ले के लोग किसी काम को करने के लिए धर्मशाला की चाबी मांगते हैं तो शख्स उनके साथ मारपीट करता है और उनको चाबी भी नहीं देता है। इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक मारपीट कर रहा है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बांस गांव थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। डीजे पर कुछ युवक डांस कर रहे हैं, तभी एक युवक वहां असलहा लेकर के पहुंचा और फायरिंग करने लगा। इस वीडियो में खुलेआम असलहे का प्रदर्शन किया जा रहा है और भीड़ भाड़ में फायरिंग भी की जा रही है। हालांकि खुशी के माहौल में कई बार फायरिंग की घटना घातक हो चुकी है। वहीं अब गोरखपुर में भी दबंगों द्वारा लगातार फायरिंग की घटना की जा रही है और खुलेआम असलहों का प्रदर्शन भी हो रहा है। इस संबंध में फोन के माध्यम से जब पुलिस अधीक्षक दक्षिणी से बात की गई तो पहले वो मामले को टालते नजर आए और कहा कि कोई तहरीर देता है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। हाथरस में एक महिला ने सरेआम एक युवक की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला की इस हरकत देख लोग तमाशबीन बने रहे, देखते रहे और महिला युवक को चप्पलों से पीटती रही। घायल युवक का पुलिस ने जांच करवाया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने थाना वार्षिक क्षेत्र नगला पटवारी में अवैध चावल पकड़ा है। चावल माफिया राशन के चावल की कालाबाजारी कर रहे थे। सूचना मिलने पर विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर के गोदाम को सीज कर दिया है तथा कथित पत्रकारों के संरक्षण में चावल की कालाबाजारी का व्यापार किया जा रहा था। अगली खबर संत कबीर नगर से है, जहां बीते दिनों हुई बारिश के चलते किसानों की धान की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। जुलाई अगस्त के महीने में सूखे की मार झेल रहे किसान अब बची खुची फसल को चौपट होने से चिंतित है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते खेतों में पानी भर जाने से धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान धान की अगैती फसलों को हुआ है। पककर तैयार हो रही फसल भारी बारिश की चपेट में आ गई है। खेतों में जल जमाव के चलते फसल सड़ने लगी है। किसान अब खेतों में अपनी बर्बाद हुई फसलों को लेकर के निराश है। किसानों की मांग है कि सरकार बारिश से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दे ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। हम लोग यही मांग है कि फसल कुछ दिन पहले बारिश हो गई थी, अब बारिश से हम लोगों का जो है फसल नुकसान हो गया, इससे कुछ मुआवजा मिल जाए तो बढ़िया है। आगरा में बड़े उद्योगपति के यहाँ आईटी की रेट पड़ी है। आपको बता दें कि तपन ग्रुप के ऑफिस पर पड़ी आईटी की रेट टीम ने ऑफिस को सील कर दिया है। साथ ही पुलिसकर्मियों ने किसी के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। आईटी की टीम कागजों की जांच और मालिक से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।